अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अहमदाबाद में हूँ। आज मैं सैटरडे का दिन है और एक नए वीडियो से शुरुआत करते हैं। आज माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज बकरे आपको देखने मिलेंगे आज अहमदाबाद से, जिसमें हर क्वालिटी आपको दिखेगी, फ्रॉम पतीरा टू मेवाती पंजाबी। ये फार्म चलाते हैं फरहान भाई। सो फ्रेंड्स, फरहान भाई भी हमारे साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। फरहान भाई, अहमदाबाद में आके आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सो आप ये जो फार्म चला रहे, इसका कुछ नाम है? नहीं भाई, ये तो सिर्फ अपने शौक पे ही कर रहा है। अच्छा अच्छा, बेसिकली शौक। कब से कर रहे हैं आप ये? भाई ये तो अपने को ये सब रखे हुए अभी 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हो गया आपको? ठीक है, कितने बकरे टोटल आपके पास? अपने पास टोटल अभी 27 बकरे। 27 बकरे। आपके बकरे देख के मैंने एक्चुअली सबसे पहले ये बोला कि ये बकरे भराई के खुद खा के? नहीं नहीं भाई, अल्लाह के करम से कोई भी बकरा भराई का नहीं है जी। ये अपने ये बकरे लिए उसके पहले अपने वहाँ पर सब के मेरे फीटेड है जी। कोई भी बंदा आके कभी भी एनी टाइम चेक कर सकता है जी। अपने कुछ भी ऐसा भराई जोर जबरदस्ती अपनों ने नहीं किए कभी। तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि ये वीडियो तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन बना लें, पर इसके बाद में आप क्या शेयर कर पाएंगे कि फीड में क्या क्या देते हैं आप बकरों को? ये अपने अल्लाह के करम से इसको सिर्फ सुबह लीला चारा ही देते हैं। अच्छा। दूसरा कुछ भी नहीं देते। हुँ। और शाम को 5-6 बजे पक्का दाना देते हैं। चने है, चने की दाल है, मट सोयाबीन है जी, वो सब ही देते हैं। सिर्फ अपने एक ही टाइम खिलाते हैं और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम रखते हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे फीडिंग के ऊपर। अभी इस वीडियो में हम बकरों पर कॉन्सनट्रेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, आपके सेलिंग के कुछ बकरे, कुछ आपके शौक के? जी जी, जिसमें सेलिंग के है। हाँ, थोड़े बहुत बच्चे हैं, 2-3 हज़ार बच्चे हैं। अच्छा, तो सेलिंग के अपने पास। तो बाकी बकरे जो बड़े बड़े बकरे आप शौक के लिए रखेंगे? जी जी, वो अपने घर की कुर्बानी के लिए है, वो सब शौक के। तो लाइक आपका जो बिजनेस पर्पस है, उस साल भर आप कौन से नस्ल के बकरे बेचेंगे यहाँ से? अपने जमुनापारी ज़्यादा रहते हैं, पंजाबी है, ये अजमेरा है, हैदराबादी है, ये सब में अपने ज्यादा शौक है। मैंने देखा आपने कुछ बनूर भी रखे हुए शौक के लिए। जी जी, वो तो सिर्फ ऐसे ही शौक के लिए है। अच्छा अच्छा, तो पहले शौक के बकरे देख लेते हैं आपके। जी भाई, तो आप कुछ बकरे दिखाइए आपके फेवरेट, या आप ये कौन सी नस्ल में और क्या डिटेल है इसके भाई? हैदराबादी है। हैदराबादी है जी। याद दात ये जी। क्या वजन होगा इसका? ये कम से कम 90-95 होगा। 90-95 होगा, ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा ही। तो ये जो बकरे हैं, ये आपने छोटे से लाए थे इनको के? सब छोटे से ही लिए हुए। ये भी अदंत बच्चा लिया है, ये 6 दांत का। माशाल्लाह। ओ, उसको लो। बहुत क्वालिटी में पंजाबी किड। मेरी 7 महीने का बच्चा है, अदंत है। जी, अभी से एकदम टाइट बकरा है। अच्छा बकरा। और सेलिंग के लिए जो बकरे हैं कुछ, वो कौन से? वो दोनों को पकड़। सोजत नस्ल का ये जी, अदंत है, खच्ची बकरा जी। तो ये आप कितने में सेल करने वाले फरहान भाई? ये अपने ना 16,000 में। 16,000 रुपये में। आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करवा देते हैं फरहान भाई? करवा देंगे, उसका जो भी चार्ज होगा वो। जी, अच्छा बकरा है माशाल्लाह। और कौन सा है फॉर सेल? सारे बकरे काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये भी सो जाते हैं जी? नहीं, ये सिंधा है। सिंधा सिंधा,
अच्छा ये भी अदंत बच्चे पूरा गुलाबी है, ये भी नहाया हुआ नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो ये कितने का है? ये भी 16,000। 16,000। जरा इस नस्ल के बारे में बताइए ना, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने पहली बार सुने होंगे। बहुत अच्छा बकरा है ये, है इसकी हाइट, ये दोनों सेम नस्ल है, सिंधा। ये सिंधा। हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट इसकी होगी 38-39। ज़्यादा ही होगी। और ये हाइट लेगा बस वो, और वो ये एक ही नस्ल के। तो ये भाई ये सिंधा नस्ल कहाँ की होती है और कैसे पाई? ये पंजाब साइड की है। अच्छा ये हाइट लेगी और इसके बाल थोड़े लाइट ही रहते हैं। अच्छा हाँ, कलर इनका डार्क नहीं आएगा, मतलब लोग सोजत भी समझ सकते हैं। जी जी, कोई वो भी समझ सकते हैं। ये भी फॉर सेल है। तो भाई आपको कैसे मालूम पड़ी थी ये नस्ल के बारे में सिंधा? भाई अपने जो अपने को जिसने शौक स्टार्ट किया है वसीम भाई जी, उनके थ्रू अपने को ये पता चला। जी जी, उन्होंने ही अपने को दिलाई है सब। जी, तो वो दो बकरे फॉर सेल है 16,000। ये भी फॉर सेल। हाँ, ये कितने में देंगे आप? ये अपनों ने 25,000। कितना बोला भाई आपने? 25,000। वजन कितना होगा इसका? करीब होगा 60-60। ये बहुत अच्छी डील होगी अगर कोई इसको ले तो। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बकरा है, ये हाइटेड है, और प्राइस भी मेरे हिसाब से आपने बहुत रीजनेबल ही बताया है। क्योंकि सीजन के टाइम पे तो ये बकरा दांत कितने होंगे इसके? 6 दांत है बाकी। ये माशाल्लाह बनने वाला, और भी बनेगा ये बकरा। ये पंजाबी का भी भाई, ये पंजाबी भी ले लो। सो फ्रेंड्स, 25,000 रुपये बोला है फरहान भाई ने, एंड इट्स अ गुड डील, और ये ट्रांसपोर्ट करके देंगे। रुकते नहीं है बकरे, काफ़ी एक्टिव बकरे माशाल्लाह। एंड भाई फॉर सेल है। अच्छा, पंजाबी बकरा है। 26,000। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, तो क्या हाथ में लेने की आदत नहीं है तो यू नो, इसलिए ये थोड़ा चिल्ला रहा। फरहान भाई अपना बेसिकली फार्म है कहाँ पर? अहमदाबाद असलाली में है। असलाली? जी असलाली, अपने अहमदाबाद से आपको आएगा 8-10 किलोमीटर है वहाँ पर अपना ये फार्म। तो अगर कोई अहमदाबाद से आना चाहे तो रिक्शा में आराम से, मैं भी जी, आया हूँ, सो काफ़ी आसान है आना। जी हाईवे ही है, इधर भी सिटी नहीं जाना है अपने। और यहाँ पर आने का कुछ रेगुलर टाइमिंग है कि कभी भी आ सकते? नहीं नहीं, कभी भी आ सकते, टिल 8 PM मैं इधर ही होता हूँ। ओके, आप कभी भी आ सकते। एंड फरहान भाई एक बार आप अपना नंबर शेयर कर दो लोगों के साथ। 8141189894। ठीक है, ये आप पे व्हाट्सएप पे भी होगा? जी यही नंबर व्हाट्सएप। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड लोकेशन भी मैं दे दूंगा, सो लोगों को आने को आसानी होगी। अगर कोई बाहर से फ़ोन करे तो ट्रेन में भी इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर दें। मैंने ज़्यादातर बकरे आपके खस्सी देखा जी, अपने अंडुल में भी डील करते हैं? नहीं, अंडुल अपने नहीं रखते पर इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करेंगे अंडुल का भी, अभी अपने पास पूरा खस्सी का ही लॉट है। जी, सो बेसिकली आप शौक कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि आप शौक के साथ थोड़ा आप सेलिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। इनको फ्रेम में अच्छा लगता है फोटो में आने। ये बकरे को बहुत आना है वीडियो में, पीछा ही नहीं छोड़ा है। और आपको सबसे हैवी बकरा कौन सा है इसमें? जी भाई हैवी तो अभी वो अजमेरा भी है। जी अजमेरा है वो वाला है ना, हैदराबादी है, हैदराबादी है वो, पंजाब भी है। वाइट वाला? जी वाइट वो नहीं देखा ना हमने अभी तक। नहीं नहीं वो नहीं दिया अभी। वाइट शाय है वो बकरा, वो जल्दी किसी के काम आए। वाह, माशाल्लाह।
वो तो रह रहे ना वाइट कलर में पंजाबी जी, जी, जी। और इतना रहते पंजाबी। चलने का स्टाइल वगैरह काफी अच्छा है। ये आपका तोतापुरी भी मुझे काफी अच्छा लगा जी। अभी वो अभी आया हुआ ये, इसको थोड़ा बकरों ने मार के थोड़ा इंजेक्ट कर दिया। और एक छोटा बच्चा देख रहा हूँ, वो आपके यहाँ पैदा हुआ है भाई जी? वो अपने यहाँ का ही है। तो वो कौन सी नस्ल में हो? वो पंजाबी में आया हुआ है। अच्छा, उसकी माँ कौन है? हाँ, भाई उसकी माँ तोतापुरी है। तोतापुरी हाँ, पर पूरा बाप के ऊपर ही गया है वो। पर एक्चुअल में ना ये बहुत ही बढ़िया ब्रीड हो जाएगी। जी जी जी। वो एक बार कोई बता दीजिए ना गोद में लेके। सो फ्रेंड्स, ये मेवाती बकरी देख लो पहले। ये बकरी है पंजाबी मेल से ब्रीड करके। ऐसा है ना, सेम बकरा पता है किसके पास है? शकील भाई जयपुर में, वहाँ पर नबीलन चिराग गोट फार्म पे एक ब्लैक तोतापुरी है। मेरे को ये उसकी याद दिलाता, टाइटेनिक नाम है उसका। माशाल्लाह, चेहरे पे पंच वगैरह भी देख सकते हैं। ये इंशाल्लाह सुपरस्टार बनेगा आपके फार्म का। कितने दिनों का या क्या, क्या उम्र होगी इसकी भाई? ये अभी एक महीना भी इसको पूरा नहीं हुआ है। जो भी हुआ है। और नाम वगैरह रखते हो आप बकरों का? नहीं नहीं भाई, नाम ऐसा कुछ भी रखा नहीं। नहीं रखते हो ना? सो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने ज़्यादातर बकरे देख लिए, आप अभी भी देख सकते हैं। एंड फरहान भाई के यहाँ पर से आप इजीली बकरे बाय कर सकते हैं। मैं खुद आया हूँ इनके फार्म पे अभी। एंड ये ज़्यादा काम करेंगे थोड़े बड़े बकरों में, जैसे 2-4 दांत बकरों में। मैं वैक्सीनेशन और जो फीड सिस्टम है उसके लिए एक अलग वीडियो बना लूँगा। जो बकरे फॉर सेल थे हमने वो देख लिए। और कोई बकरे है भाई फॉर सेल? नहीं भाई, अभी फिलहाल ये 4 ही। और नेक्स्ट लॉट लाइक कब तक आएगा? नेक्स्ट लॉट इंशाल्लाह ईद मिलाद के बाद अपने लेने। ईद मिलाद के बाद आएगा? ईद मिलाद। पतीरा में ज़्यादा काम नहीं आपका? नहीं, पतीरा अपने कम रखते भाई। अच्छा, अपने को तोतापुरी पंजाबी ये इसका ज़्यादा शौक, ज़्यादा शौक है जो अच्छे बनते हैं जी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके बाद में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।